हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्वमेध विद्यालय। नाउ द टॉपिक इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बीटी कॉटन के बारे में डिस्कशन किया था। जीएम प्लांट बीटी कॉटन में हम लोगों ने बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया का यूज करके ये जो बैक्टीरिया है वो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उसी बीटी टॉक्सिन का यूज करके हम लोगों ने जीएम प्लांट बनाया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एंड इंसेक्टिसाइड प्लांट्स बनाने से प्लांट को बाहर से कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करना पड़ता है। जैसे कि बीटी कॉटन में इंसेक्ट जो है वो क्रॉप को रिड्यूस करता है, तब हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जीन्स को यूज किया था। इसलिए प्लांट्स को बाहर से कोई भी केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स ऐसे ही पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करना पड़ता है। अगर बाहर से कोई भी पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया तो वो सब केमिकल्स प्लांट्स के बॉडी में जाएंगे एंड प्लांट्स का यूज हम लोग ह्यूमन बींग करते हैं, एनिमल्स करते हैं, तो ये डायरेक्टली केमिकल ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स के बॉडी में चला जाएगा और उससे साइड इफेक्ट भी हो सकती है। अगर जीएम प्लांट ही बनाएंगे तो प्लांट्स को बाहर से कोई भी ऐसा केमिकल्स यूज नहीं करना पड़ेगा और ह्यूमन में एंड सभी जो एनिमल्स है उसको उसकी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जीएम प्लांट्स ने जैसे बीटी कॉटन बनाया है, वैसे ही हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कॉटन के क्रॉप को प्रिवेंट किया था, वैसे ही हम लोग टोबैको प्लांट जो है उसका जो क्रॉप रिड्यूस हो रहा है उसको जीएम प्लांट बना के वो क्रॉप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कुछ पेस्ट लाइक नेमेटोड्स पैरासाइट्स। नेमेटोड्स पैरासाइट्स जो है वो एनिमल्स ह्यूमन बींग पे इफेक्ट कर सकता है, वैसे ही कुछ प्लांट पे भी स्पेसिफिक नेमेटोड्स जो है वो इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेलाडिथाइन इनकोग्निशन। मेलाडिथाइन इनकोग्निशन नेमाटोड्स जो है वो टोबैको के प्लांट के रूट पे इन्फेक्टेड होगा। अ नेमाटोड्स मेलाडिथाइन इनकोग्निशन इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स व्हिच रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। ये जो पैरासाइट्स है मेलाडिथाइन इनकोग्निशन नेमाटोड्स पैरासाइट्स, ये टोबैको प्लांट जो है उसके रूट पे इन्फेक्टेड होगा और रूट पे इन्फेक्टेड होने से प्लांट का ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगा। कैसे स्टॉप होगा? तो ये जो नेमाटोड्स है उसके पास स्पेसिफिक जीन्स है, वो स्पेसिफिक जीन्स में से स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और उसी प्रोटीन से ये जो नेमाटोड्स है उसका ग्रोथ होगा और वो प्लांट पे इन्फेक्टेड होगा। तो ये प्लांट को इन्फेक्टेड होने से स्टॉप करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ जीएम प्लांट्स जीएम टेक्निक बनाई है। ये टेक्निक अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस। एवरी यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस कंटेन आरएनए इंटरफेरेंस। सभी सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के पास आरएनए इंटरफेरेंस होता है। RNA interference, it can be prevented by using RNA interference means RNAi process which is checked by silencing of specific mRNA due to complementary dsRNA. RNA interference जो होता है वो mRNA को specific mRNA जो होता है उसको inactive silence कर देता है। कैसे? तो वो खुद के dsRNA बनाते। तो इस तरह ये सेल को प्रिवेंट करेगा, सभी ऑर्गेनिज्म के सेल को प्रिवेंट करेगा। तो अब हम लोग प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस देखेंगे। मींस ये जो मेलाडिथाइन इनकोग्निशन नेमाटोड से वो उसके जीन्स को कैसे टोबैको प्लांट में ऐड करके जीएम प्लांट बना सकते। Now, the process of RNA interference. RNA interference कैसे वर्क करेगा जीएम प्लांट पे, टोबैको प्लांट पे? तो
तो मेलाइडिका इंडोनेशिया नेमाटोड से, ये मेलाइडिका इंडोनेशिया नेमाटोड के पास स्पेसिफिक जीन्स है और ये स्पेसिफिक जीन्स जो है उसमें से बनेगा एमआरएनए एंड ये एमआरएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस थ्रू बनेगा। ये एमआरएनए में से बनेगा प्रोटीन एंड यहाँ पे ये जो प्रोटीन बना है ये प्रोटीन से ही नेमाटोड्स का ग्रोथ होगा। तो ये नेमाटोड्स का ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एमआरएनए जो है उसको इनएक्टिव में स्टॉप करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा एंड इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जीएम प्लांट बनाने के लिए, मेलाइडिका इंडोनेशिया जो है उसके डीएनए को आइसोलेट किया, सेपरेशन किया एंड दिस डीएनए एड इनटू टॉपिको प्लांट मींस फॉर होस्ट प्लांट। डीएनए जो है उसको एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करके टॉपिको प्लांट में ऐड किया। टॉपिको प्लांट में जब डीएनए को ऐड करते हैं तब डीएनए कंटेन टू पॉलिंग न्यूक्लियोटाइड चेन, एक जो है वो सेंस चेन है एंड अदर वन इज एंटीसेंस। सेंस चेन जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड एंटीसेंस जो है वो इनडायरेक्टली प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर से देख लो, ये मेलाइडिका इंडोनेशिया उसके डीएनए को सेपरेट करके एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके टॉपिको प्लांट में ऐड किया। यहाँ पे टू चेन है सेंस एंड एंटीसेंस। ये जो डीएनए मेलाइडिका इंडोनेशिया के डीएनए को टॉपिको में ऐड करने के बाद यहाँ पे डीएनए में से बनेगा आरएनए, ये हुआ आरएनए चेन एंड बन जाएगा डीएसआरएनए। डीएसआरएनए मींस डबल स्ट्रैंड आरएनए, अगर एसएसआरएनए हुआ तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। यहाँ पे टू चेन है सेंस एंड एंटीसेंस चेन है उसमें से बनेगा डीएसआरएनए एंड ये जो डीएसआरएनए वो प्रोटेक्ट करेगा एमआरएनए को स्टॉप करने के लिए यूज होगा। जैसे कोई बाहर से मेलाइडिका इंडोनेशिया जो है वो टॉपिको प्लांट को इन्फेक्टेड करेगा, ये एमआरएनए जो है वो डीएसआरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा एंड ये एमआरएनए जो है वो म्यूटेंट हो जाएगा। म्यूटेंट होने से ये इनएक्टिव हो जाएगा, एमआरएनए इनएक्टिव होगा इसलिए प्रोटीन प्रोड्यूस होगा ही नहीं एंड प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो मेलाइडिका इंडोनेशिया का ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगा। फिर से देख लो, यहाँ पर डीएसआरएनए आरएनए बन गया, टॉपिको प्लांट में डीएसआरएनए बन गया। जैसे ही कोई बाहर से एमआरएनए आएगा मींस मेलाइडिका इंडोनेशिया टॉपिको प्लांट के रूप में कांटेक्ट में आएगा, एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा, एमआरएनए डीएसआरएनए एमआरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा मींस डीएसआरएनए जो है वो एमआरएनए को इनएक्टिव कर देगा, म्यूटेंट कर देगा। अगर एमआरएनए ही म्यूटेंट हो गया तो प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो ये जो मेलाइडिका इंडोनेशिया नेमाटोड से उसका ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, जीएम प्लांट बना सकते हैं, इससे कोई भी बाहर से पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होगा एंड क्रॉप भी इंक्रीज हो सकता है। तो द ट्रांसजेनिक प्लांट therefore got itself protect from the parasites। ये जो transgenic plant है ये खुद का protection कैसे कर सकते means जो nematodes है उसी के genes को use करके वो खुद का protection कर सकते, तो ऐसे GM plant बना सकते। ये theory जो है वो most important है board exam के लिए, तो आप लोगों को ये prepare करना।